हेलो एंड व्हाट्सअप डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी होप करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे सब खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम क्लास एट साइंस का नाइन्थ चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसके जितने भी टेक्स्टल क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके बस आप अच्छे से वीडियो को देखना एंड तक वीडियो को देखना सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना और अपनी कॉपी पर भी लिखना तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज व टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश आर पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो दो एग्जाम्पल्स देनी हर एक सिचुएशन की जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो अपनी तरफ खींचते हो या फिर धक्का देते हो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए इसका सिंपली आंसर है पुश के लिए देखिए कौन से दो एग्जाम्पल्स हैं वी क्लोज द ड्र बाई पुशिंग और नंबर सेकेंड वी मूव ए वुडन बॉक्स बाई पुशिंग हम जब ड्रार को पुश करते हैं बंद करने के लिए ठीक है उसको धक्का देते हैं बंद करने के लिए और अगर कोई लकड़ी का डिब्बा हो या कोई भी चीज़ उसको आगे धकेलने के लिए हम पुश करते हैं नंबर सेकंड पुल पुल करना होता है अपनी तरफ खींचना ओके वी ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप हम रस्सी को खींचते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए ठीक है वो पुल होता है एंड अ हॉर्स पुल्ज अ कार्ट या आप बैलगाड़ी को देखते हो या टांगे को देखते हो घोड़ा होता आगे या फिर बेल होता आगे वो फिर उस गाड़ी को खींच रहा होता है ठीक है पुल कर रहा होता है ये दो दो एग्जाम्पल्स हैं हर एक सिचुएशन की सेकेंड क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स काज इज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो एग्जाम्पल्स देनी है सिचुएशन की जिसमें जो अप्लाइड फोर्स होता है जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इससे चेंज आती है शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आती है फोर्स अप्लाई करने पे दो एग्जांपल्स देनी है आंसर व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड टू स्ट्रेच इट एंड ऑन क्ले टू चेंज इट शेप हम जब रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है स्ट्रेच होता है ठीक है फिर वापस रिलैक्स uh, हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है या मिट्टी जो होती है मिट्टी की शेप हम चेंज करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं फोर्स अप्लाई करके इनकी शेप चेंज करने के लिए द थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं ठीक फर्स्ट वन इज टू ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप पानी कुएं से निकालने के लिए हमें रस्सी को पुल करना पड़ता है खींचना पड़ता है सेकेंड वन अ चार्जड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्जड बॉडी टुवर्ड्स इट एक चार्जड बॉडी जो होती है वो अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचती है ठीक है uh, तीसरा क्या है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट जो लोडेड लोडेड ट्रॉली है उसको मूव करने के लिए उसको चलाने के लिए हमें उसको पुश करना पड़ता है ठीक है धक्का देना पड़ता है द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ एन अदर मैग्नेट नॉर्थ पोल मैग्नेट का जो होता है ये दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है ठीक है रिपेल करने का मतलब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना अगर नॉर्थ पोल होता और फिर साउथ पोल होता दूसरे मैग्नेट का ये अट्रैक्ट टारगेट like एक आर्चर जो, है, जो लगाने वाली है वो क्या करती है स्ट्रेच हर बो अपनी कोहनी को वो स्ट्रेच करती है जब उसे एम करना होता है अपने टारगेट को निशाना लगाना होता है she then releases the arrow और उसके बाद वो arrow को तीर को छोड़ती है which begins to move towards the target और ये तीर कहाँ जाना शुरू हो जाता है अपने target की तरफ based on this information fill up the gaps in the following statements using the following terms और इस statement की base पे इस information की base पे हमें ये gaps जो हैं blanks जो हैं ये fill करनी है नीचे जो statements दी हुई हैं नीचे जो words जो दिए हुए हैं नीचे इनसे number first to stretch the bow द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट काज इज अ चेंज इन इट्स शेप तो पहले में आएगा शेप कहते हैं क्या कहते हैं कि जब आर्चर अपनी बो को स्ट्रेच करती है जो फोर्स वहां पर अप्लाई होता है उससे उसकी बॉडी उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है नंबर सेकेंड द फोर्स अप्लाइड बाई द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्युलर फोर्स जो फोर्स अप्लाई होता है जो फोर्स अप्लाई करती है आर्चर वो कौन सा फोर्स है वो मस्क्युलर फोर्स है ठीक है जो वो मसल से फोर्स अप्लाई कर रही है

जब एरो टारगेट की तरफ जा रहा होता है इस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होता है एक तो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होता है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जो एयर का होता है ठीक ये दो फोर्सेज इस पर अप्लाई हो रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस इन नीचे सिचुएशंस को पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो एजेंट्स फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो कौन से एजेंट्स हैं और एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स किस ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट हो रहा है ये फोर्स स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस और इफेक्ट क्या हो रहा है फोर्स का यह भी हमें हर एक केस में बताना है नंबर फर्स्ट इज स्की अ पीस ऑफ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस नींबू को दो उंगलियों में पकड़ के निचोड़ना ठीक है स्कीज करना मतलब उसको निचोड़ना उसको प्रेस करना ताकि उसका जूस निकले अब बताओ कि इसमें एजेंट क्या है फोर्स अप्लाई करने के एजेंट्स क्या हैं और इफेक्ट क्या हो रहा है फोर्स अप्लाई करने पर इफेक्ट असरा क्या आ रहे हैं देखिए एजेंट्स आर फिंगर्स एजेंट्स कौन से हैं फिंगर्स क्योंकि लेमन इफेक्ट क्या आ रहा है, lemon. Lemon है, है फोर्स अप्लाई करने में क्या है इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है ठीक है जो पूरा लींबू है वो पिचक जाता है जब हम उसको स्कीज करते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है द सेकेंड स्टेटमेंट इज टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब टूथपेस्ट ट्यूब जो है उससे हम टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं अब इसमें आपको बताना है एजेंट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है और इफेक्ट क्या है फोर्स का देखिए आर फिंगर्स ऑफ द पर्सन द ट्यूब एजेंट फिर से यहां से उंगलियां हैं क्योंकि हम उंगलियों से प्रेस करते हैं दबाते हैं ट्यूब को और फिर पेस्ट निकलता है बाहर द ऑब्जेक्ट इज द टूथपेस्ट ट्यूब एंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्जर्व एज द पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब दैट इज चेंज इन शेप अगेन

अच्छा जी तो चलिए देखिए एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड एजेंट इसमें क्या है लोड जो हमने लटकाया हुआ है सस्पेंड किया हुआ क्योंकि क्योंकि फोर्स इसी से अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है स्प्रिंग है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा एंड इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ लोड दैट इज चेंज इन शेप तो इफेक्ट क्या आएगा इफेक्ट यहाँ से भी चेंज इन शेप ठीक है इस स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाएगी जब जब हम लोड इस पर लटकाएंगे तो ये इलोंगेट हो जाएगा ये थोड़ा लंबा हो जाएगा जब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे दूसरे एंड पे लोड लटकाएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ से भी शेप चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन नंबर फाइव का डी पार्ट एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट हाइट एक एथलीट जो है एक प्लेयर जो है वो हाई जंप मार रहा है वो छिलांग मार रहा है ठीक है ताकि वो इस बार को क्लियर करे कुछ हाइट पे देखिए एजेंट इज द मसल ऑफ एन एथलीट एजेंट कौन सी है एजेंट मसल हैं एथलीट की क्योंकि फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है मसल से द ऑब्जेक्ट इज द एथलीट हिमसेल्फ और ऑब्जेक्ट खुद एथलीट है ठीक है वो अपने ऊपर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एथलीट और इफेक्ट क्या आ रहा है इफेक्ट ये आ रहा है कि उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है स्टेट ऑफ मोशन एथलीट की चेंज हो रही है या हम कह सकते हैं कि अगर वो धीरे धीरे दौड़ रहा था तो वो अब तेज़ भागने लगा या अगर वो रुका हुआ था तो वो भागने लगा फोर्स अप्लाई करने पे वो भागने लगा या उछलने लगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो हुई इसे सिक्सथ क्वेश्चन स्मिथ है टूल हाउ डज द फोर्स डू ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट piece ऑफ आयरन एक ब्लैक स्मिथ एक लोहार जो है लोहे का काम करने वाला वो हथौड़े से गर्म लोहे के पीस को पीट रहा है किसी हथियार के साथ किसी टूल के साथ अब आप ये बताए कि फोर्स जो लग रहा हैमरिंग से इस हथौड़े की मार से जो फोर्स लग रहा है वो कैसे पीस ऑफ आयरन को चेंज कर रहा है और उस पर कौन सा असर डाल रहा है आंसर द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग काज इज द चेंज इन द शेप ऑफ द आयरन एंड आयरन कैन भी मोल्डेड इन द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड टूल जो फोर्स अप्लाई हो रहा हैमरिंग करने पर उससे शेप चेंज हो रही है आयरन की ठीक है आयरन की शेप चेंज करने से क्या होता है हम जिस भी टूल में चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बना सकते हैं द सेवंथ क्वेश्चन इज एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेसड अगेनस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैड बीन रबड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ एक इन्फ्लेटेड बैलून यानी कि जिसके अंदर हवा डाली गई है उसको पहले प्रेस किया गया उसको प्रेस किया गया एक दीवार के साथ ठीक है लेकिन पहले उससे पहले उसको किसी कपड़े के साथ सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया गया था ऐसे रगड़ रगड़ लगाई गई थी इट वॉज़ फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वाल और उसके बाद देखा जब कपड़े पे उसको रब करने के बाद दीवार पे लगाया गया वो दीवार के साथ चिपक गया वट फोर्स माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वाल अब आप ये बताओ कि कौन सा फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहा है कि जिस, जिसके कारण ये बैलून जो है गुब्बारा जो है दीवार के साथ चिपक रहा है इसका सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि जब हम इसको रब करते हैं कपड़ों के साथ इसके अंदर चार्जेस आ जाते हैं और चार्जेस की वजह से फिर यह अट्रैक्ट हो जाता है और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका रेस्पॉन्सिबल बन जाता है द eighth क्वेश्चन नेम द forces acting एक्टिंग ऑन plastic प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबो ग्राउंड लेवल इन hand. हैंड फोर्स का नाम बताओ जो फोर्स एक्ट हो रहा है प्लास्टिक की बकेट के ऊपर प्लास्टिक की बाल्टिंग के ऊपर जिसमें पानी है और जिसको आपने ग्राउंड से ऊपर उठाया हुआ है अपने हाथ से डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंक ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन अब आप ये डिस्कस करो जो फोर्सेज पे एक्ट हो रहे हैं इस पर दो तरह के फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ ठीक है अब आप ये बताओ कि जो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं इस पर बकेट पे इससे स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आ रही है देखिए आंसर फोर्स एक्टिंग ऑन बकेट आर एस फॉलोस जो फोर्सेज इसपे लग रहे हैं वो ये हैं नंबर फर्स्ट मस्क्यूलर फोर्स ऑफ आर्मज एक्टिंग अपवर्ड आप अपने हाथों से इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ आपने पकड़ के रखा हुआ एक तो ये फोर्स लग रहा है मस्क्यूर फोर्स एंड नंबर सेकंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये दो फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रहे हैं बोथ द फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड दस दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं दोनों फोर्सेज अप्लाई होने के बावजूद भी इसकी स्टेट ऑफ मोशन पर कोई चेंज नहीं आती है क्यों क्योंकि जितना आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे उतना फ़ोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा है और इसकी वजह से जो इनका इफ़ेक्ट है फोर्सेस का वो कैंसिल हो रहा है ठीक है फोर्सेस इक्वली अप, अप्लाई हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहे हैं इसलिए इसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आती है नाइन्थ क्वेश्चन इज अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट एक रॉकेट को फायर किया गया ऊपर की तरफ भेजा गया ताकि वो सैटेलाइट को लॉन्च कर सके अपने ऑर्बिट के अंदर नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड आप दो फोर्सेज का नाम बताओ जो एक्ट हो रहे हैं रॉकेट के ऊपर जब वो इमीडिएटली जल्दी से लॉन्चिंग पैड को छोड़ती है द फोर्स दैट एक्ट वेन ए रॉकेट लीव लॉन्चिंग पैड आर एज फॉलोज जो फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं जब रॉकेट छोड़ती है लॉन्चिंग पैड को कौन कौन से फोर्स हैं नंबर फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डाउनलोड नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर इन अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये जा रही होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एयर का फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है तो दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट होते हैं नंबर फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नंबर सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स Now, the tenth and the last question of this chapter. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape for in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to तो चार ऑप्शन है देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है जब हम प्रेस करते हैं बल्ब को यानी कि जो ड्रॉपर होता है ना जो पंप होता है जिससे बच्चों को दवाई वगैरह पिलाई जाती है उसकी उसके बल्ब को जब हम प्रेस करते हैं लेकिन उसकी नोजल जो है पानी में जब रखते हैं तो क्या होता है पानी में रख के जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर की हवा जो है बाहर निकलती है पानी में वो देखी जा सकती है पानी में वो बबूले जैसे आ जाते हैं बबल्स जैसे आते हैं और जब हम उसको फिर से छोड़ते हैं तो क्या होता है पानी वापस उसके अंदर भर जाता है उसके अंदर चला जाता है ड्रॉपर के अंदर तो ये जो राइज हो रहा है पानी ड्रॉपर के अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है जो पानी इस ड्रॉपर के अंदर जा रहा है वापस किसकी वजह से जा रहा है चार ऑप्शन है प्रेशर ऑफ वाटर वाटर के प्रेशर की वजह से ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से शेप ऑफ द रबर बल्ब रबर बल्ब की शेप की वजह से या एटमॉस्फिरिक प्रेशर की वजह से तो इसका सिंपल सा आंसर है एटमोस्फिर प्रेशर ओके गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग For more interesting videos like this, please subscribe to our channel and press the bell icon as well. Thank you. We'll catch you in the next video.